अब देखो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रभास इतना बड़ा सुपरस्टार है। बंदे की फिल्में सुपर फ्लॉप भी होती है तो एक टके का भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके स्टारडम पर। और जो आंखें फाड़ देने वाली 5 बड़े अपडेट्स आए हैं प्रभास के अपकमिंग मूवीज के, लिटरली उन लीक्स को देख के किसी की भी सांसें रुक सकती है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। पहले दिल को ऑर्गेज्म देने वाली बड़े अपडेट की बात करें तो पैरस प्रभास ने किलर डायरेक्टर सुकुमारन के साथ एक तगड़ी मूवी साइन की है। अब पुष्पा, रंगस्थलम और आइकॉनिक आर्या मूवी देखने के बाद ये मत पूछना कि सुकुमारन किस चिड़िया का नाम है। तो बंदे के जितने भी टेरर मूवीज के मैंने नाम बताए हैं तो इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो सुकुमारन ये बंदा क्या बवाल की चीज बना सकता है। और रेबल प्रभास ने इसी बंदे के साथ एक एक्शन पैक मूवी साइन की है और गर्मा गर्म रिपोर्ट की माने तो ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो चुकी है और 2024 में ये मूवी फ्लोर पे जाएगी। पर इस अनटाइटल मूवी को स्पेशल बनाता है इसके मेकर्स द कश्मीर फाइल्स और कार्तिके 2 जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज को। बैंक रोल करने वाले मेकर्स इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। डैट मींस मैं डैम श्योर हूं कि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हेवी और तगड़ा होने वाला है, जो ऑफ कोर्स हमें पैन इंडिया लेवल पे देखने को मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, पर जो अगली अपडेट है वो बहुतों को शॉक और सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि डार्लिंग प्रभास की जिस अनटाइटल हॉरर कॉमेडी मूवी की शूटिंग चल रही है वहाँ के आग लगा देने वाले सेटअप के कुछ बिहाइंड द सीन के लीक्स काफी वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें प्रभास का रॉ सैवेज लुक हमें नजर आता है। वहीं इस कड़क मूवी के डीप डिटेल्स की बात करें तो मूवी के अंदर 3 स्मोकी एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है, यानी डिंडोंग वाली निधि अग्रवाल से लेके साउथ की मालविका मोहन तक, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेंगे रिधि कुमार। और फिलहाल तो डार्लिंग प्रभास की इस सो कॉल्ड हॉरर कॉमेडी मूवी का अनऑफिशियल नेम राजा डिलक्स बताया जा रहा है, बट हु नोस, मूवी का डायरेक्टर मारुति आगे चल के इस मूवी का नाम चेंज भी कर डाले। पर सच कहूँ तो एक सवाल को लेके मेरा दिमाग पूरी तरह से फट चुका है, वो ये है कि प्रभास जैसे आइकॉनिक पर्सनैलिटी को जो रॉ सैवेज ब्रूटल एक्शन मूवीज के लिए बना है, क्या उस बंदे को बिना लॉजिक के नॉनसेंस हॉरर कॉमेडी मूवीज के अंदर काम करना चाहिए। इसके अलावा बैडस प्रभास की प्रोजेक्ट के जो प्रोबेबली एक साईफाई सुपर हीरो मूवी होगी, जिसमें बॉलीवुड का बेशरम रंग के साथ अमिताभ बच्चन का भी एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो ऐसे हॉट रूमर्स निकल के आए हैं बैडस प्रभास की किलर प्रोजेक्ट के मे बी 2023 में रिलीज होके तहलका मचा सकती है। और वैसे तो ये बवाल चीज सभी को पता है कि प्रोजेक्ट के ये मूवी आज के डेट में इंडिया की सबसे महंगी मूवी है, जिसे बनाने के लिए 500 से 600 करोड़ का बजट फूका जा रहा है। तो सब कुछ कुशल मंगल रहा तो प्रभास की ये फ्यूचरिस्टिक किलर मूवी प्रोजेक्ट के अपने रिलीज होते ही इंडियन सिनेमा के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क सेट करेगी। बस आदि पुरुष की तरह मेकर्स इस मूवी के विजुअल्स के अंदर गुड़गोबर ना कर दे। अब देखो, आदि पुरुष की बात छिड़ी चुकी है तो इसके ऊपर भी एक तगड़ा अपडेट आ चुका है। आई मीन बैडस प्रभास की सबसे ग्लोरियस पैन इंडिया मूवी आदि पुरुष को और एक बार पोस्टपोन किया जा रहा है। और इस बार दिल को सुकून देने वाला रीजन ये है कि इस मूवी के कुछ पोर्शन को फिर से रीशूट किया जा रहा है। और वही प्रभास की 2023 की सबसे मोस्ट अवेटिंग मूवी सलार की बात करें तो मूवी के मेकर्स ये छाती ठोक के कह रहे हैं द मोस्ट वायलेंट मैन सलार ये मूवी अब तक की सबसे क्रेजी ब्रूटल एक्शन मूवी होने वाली है, जो KGF से 10 गुना ज्यादा विस्फोटक होंगी और आराम से बॉक्स ऑफिस पे KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इस बात को डंके के चोट पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विजनरी प्रशांत नील प्रभास की सलार को KGF का डबल बजट फूंक कर इस मूवी की स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, क्यों नहीं फाड़ेगा सलार बॉक्स ऑफिस को। मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। 5 बवाल मॉन्स्टर्स अपडेट थे प्रभास के अपकमिंग मूवीज के, जो डार्लिंग प्रभास के रेबल आर्मी को शॉक और सरप्राइज करके रख देंगे। तो इसी बात पे GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।